कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए हैं। मनीष तिवारी बुधवार को रांची से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण निजी निवेश बिल्कुल बंद हो गया है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का पहिया घूमना बंद हो गया है। डर के माहौल के कारण निवेशक देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ये एक राज्य सरकार का काम रहता है और ये जो एनडीए भाजपा की सरकार पिछले 5 साल से झारखंड में रही है, इन सारे मापदंडों पर पूरी तरह से विफल रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पोषण और पीने का पानी जैसे बुनियादी सुविधा मुहैया कराने में राज्य सरकार 5 साल में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इसलिए प्रदेश में एक बार कांग्रेस और गठबंधन के दलों को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, ताकि कांग्रेस ने जो वायदे जनता से किए हैं उन्हें निभाने का मौका मिले। ये एक राज्य सरकार का काम रहता है और ये जो एनडीए भाजपा की सरकार पिछले 5 साल से झारखंड में रही है, इन सारे मापदंडों पर पूरी तरह से विफल रही है। और यही कारण है कि प्रदेश में बदलाव होना चाहिए और हमारा ये आग्रह है आपके माध्यम से कि जो हमारा गठबंधन है, कांग्रेस की जनता एक मौका दे। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि चुनाव के दौरान अब तक वे 2 बार झारखंड के दौरे पर आ चुके हैं। अपने चुनावी सभा में महंगाई और अर्थव्यवस्था पर बात करने से बचते हैं। केंद्र सरकार कुछ खास वर्ग को लाभ देने के लिए जानबूझकर प्याज के दाम बढ़ा रही है।